हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र कुमार सिंह आप लोगों का आपके अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम एनसीईआरटी फर्स्ट ईयर क्लास यूपी बोर्ड जो एनसीईआरटी 2020-21 यानी 2020-21 में जो बुक आई है इसको लेकर चलते हैं। इसका सिलेबस जो है वो ऑलरेडी डाउनलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में हम इसके लिंक दे देंगे, तो आप जो है उसको देख लें या वीडियो के जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख लें कि इसमें बुक में आपकी क्या क्या है। इसमें टू बुक्स आपकी हैं, एक हॉर्न बिल है जिसके अंतर्गत प्रोज और पोएट्री है, और दूसरी स्नैपशॉट है जिसके अंतर्गत आपकी सप्लीमेंट्री पार्ट है। तो इसमें आज हम प्रोज का, ये हॉर्नबिल जो पार्ट है इसमें प्रोज का फर्स्ट चैप्टर लेकर चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर का आपका ये फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम जो है दूसरा पार्ट लेकर आएंगे। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर ऑफ ए लेडी, एक महिला की तस्वीर। इस जो है ये चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। ये खुशवंत सिंह जो कि भारतीय लेखक थे, उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपने जीवन का जो है बचपन से लेकर और युवावस्था तक उन्होंने वर्णन किया है। अपनी दादी का संदर्भ लेते हुए, यानी अपनी दादी को जो है, दादी के साथ वो किस तरीके से रहे, कैसा क्या उनका जो है बिहेवियर रहा दादी के साथ, दादी उनके लिए क्या क्या करती थी, ये सब खुशवंत सिंह ने इस लेसन में डिस्क्राइब किया। कहने का मतलब है ये उनका एक ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, यानी उन्होंने, खुशवंत सिंह ने इसको जो है अपने बारे में लिखा है। तो इसमें जो है एक महिला जो कि उनकी दादी हैं उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। उनकी दादी जो थी वो काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो किस प्रकार से उनको जो है तैयार करती हैं, नहलाती हैं, स्कूल भेजती हैं, उसके बाद जो है स्कूल भेजने के बाद, पहले छोटे थे वो तब स्कूल जो है उनको तैयार करके भेजती थी, उसके बाद धीरे धीरे कुछ बड़े हुए, इस प्रकार से वो अपनी कॉलेज तक की शिक्षा जो थी उसके संदर्भ में तक दादी को साथ में ही जो है दादी का प्रसंग लेकर चलते हुए वो अपने कॉलेज तक की शिक्षा के बारे में बताते हैं। लेकिन अंत में एक दिन ऐसा होता है कि उनकी दादी जो थी वो उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो एक्सपायर हो जाती हैं। तो दादी जो थी उनको चिड़ियों से बहुत लगाव था, पक्षियों से बहुत लगाव था, उनको दाना डालती थी, ढेर सारी जो है चिड़ियाँ उनके पास आ जाया करती थीं। तो जो है जिस दिन वो एक्सपायर हुई, यानी जिस दिन उनकी मृत्यु हुई, तो जहाँ पे जो है दादी जी की डेड बॉडी जो थी वो रखी गई थी, वहाँ पर ढेर सारी जो है चिड़ियाँ आ गईं। उन चिड़ियों को यद्यपि जो है दाना डाला गया, खाने के लिए भोजन उनको दिया गया, लेकिन वो इतनी दुखी थी दादी की मृत्यु पर कि उन जो है चिड़ियों ने, उन पक्षियों ने उस दिन जो दाना, उनको खाना भोजन दिया गया था उसको खाया नहीं, और दादी के चारों तरफ ही चहचहाती रहीं। और जब जो है दादी की डेड बॉडी वहाँ से चली गई, यानी उनका अंतिम संस्कार हो गया, तो सभी चिड़ियाँ जो थीं वो बिना दाना चुने ही वो वहाँ से जो है सभी उड़ जाती हैं दुखी भाव से, और दोबारा कभी लेखक के आंगन में दोबारा नहीं आती हैं। तो लेखक ने इस चैप्टर में जो है अपनी दादी का वर्णन किया है कि किस तरीके से हमारी दादी जो होती हैं वो हमारे लिए क्या करती हैं, किस तरीके से उनका व्यवहार होता है, कैसे वो हमें जो है कितना प्यार करती हैं, इसका वर्णन इस चैप्टर के अंतर्गत लेखक ने किया है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें जो है हम हाफ चैप्टर इसमें जो है इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और हाफ चैप्टर हम अगले जो है पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अगर हम एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए जो है हम इसको टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो है जैसे हम
और चैप्टर्स या जो इसका सेकंड पार्ट अपलोड करें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। चलिए लेसन स्टार्ट करते हैं। तो राइटर कहता है कि माई ग्रांड मदर, मेरी दादी जो थी, राइटर कहता है माई ग्रांड मदर, मेरी दादी जो थी लाइक एवरी बडीज ग्रांड मदर, वो लाइक मीन्स बिल्कुल उसी तरह थी जैसे किसी अन्य लोग अन्य व्यक्ति की दादी होती हैं। राइटर कहता है मेरी दादी बिल्कुल उसी तरीके से थी जैसे सभी लोगों की दादी होती हैं। वाज एन ओल्ड वोमेन, एक बूढ़ी महिला थी। कहता है मेरी दादी जो है बाकी सभी लोगों की दादियों की भांति जो है एक बूढ़ी महिला थी। कहता है सी हैड बीन ओल्ड, वो जो है बूढ़ी हो चुकी थी। सी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी हो चुकी थी। एंड और रिंकल्ड फॉर 20 इयर्स, कहता है रिंकल्ड उनके जो है शरीर जो था उनका जो है चेहरा जो था उस पर जो है झुर्रियाँ पड़ी हुई थी, उनका चेहरा जो था उस पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। और फॉर 20 इयर्स, कहता थोड़े बहुत दिन से नहीं 20 साल से, दैट आई हैड नोन हर, जब से मैं उन्हें देखता हूँ। नोन का मतलब यहाँ पर जानना नहीं, जब से मैं उन्हें जानता हूँ यानी जब से मैंने उन्हें देखा है तब से उनके शरीर में वैसे ही झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं, यानी काफ़ी वो बूढ़ी हैं और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं और वो जो है जब से मैंने देखा है उनको वो वैसी ही हैं। पीपल सेड, लोग कहते हैं यानी लोग कहते हैं दैट कि सी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी, कि वह कभी जो है यंग यानी युवती थी, जवान थी, एंड प्रिटी और सुंदर थी। यानी लोग ये बताते हैं कि दादी भी कभी जो है अपने समय में काफ़ी सुंदर थी और जवान थी। एंड इवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक पति भी था, यानी मतलब जो है हमारे दादा जी थे, बाबा थे, यानी उनके एक पति थे। बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल बात विश्वास करना ताकता, लेकिन मेरे लिए यह बात विश्वास करना इस बात में बहुत मुश्किल था कि दादी जो है वो सुंदर थी। कहते हैं माई ग्रांड फादर्स पोर्ट्रेट, माई ग्रांड फादर्स, मेरे बाबा की जो पोर्ट्रेट मीन्स होता है तस्वीर, पोर्ट्रेट मीन्स तस्वीर होता है, मेरे दादा की जो तस्वीर जो थी हंग में टंगी हुई थी एबव द मेंटल पीस, एक मेंटल पीस मीन्स लिटरल मीनिंग इसका अंगीठी होता है लेकिन यहां पर कुछ जो है स्टैंड होगा उसके ऊपर जो है टंगी हुई थी। इन द ड्राइंग रूम, यानी ड्राइंग रूम में, यानी जो है कमरा था उसमें जो है उनकी, यानी बैठक कह सकते हैं, ड्राइंग रूम का मतलब बैठक, बैठक में उनकी तस्वीर जो थी वो टंगी हुई थी। कहता ही वो हो यानी हमारे दादा जो थे उसमें तस्वीर में जो दिखाई दे रहे थे, वोर अ बिग टर्बन, वोर मीन्स बियर मीन्स होता है पहनना, वोर मीन्स पहने हुए थे, अ बिग एक बड़ी सी टर्बन, पगड़ी, टर्बन मीन्स पगड़ी यानी एक बड़ी सी पगड़ी जो है पहने हुए थे। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और लूज फिटिंग मीन्स होता है ढीले ढाले, और ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे तस्वीर में। हिज लॉन्ग, उनकी लंबी वाइट बियर्ड, और सफ़ेद दाढ़ी जो थी, उनकी लंबी और सफ़ेद दाढ़ी थी जो कि कवर्ड, ढक रही थी, द बेस्ट पार्ट, बेस्ट पार्ट मीन्स अधिकतर भाग ऑफ हिज चेस्ट, उनके सीने का, यानी कि लंबी लंबी दाढ़ी जो थी वो इतनी लंबी थी कि उनके सीने का अधिकतर भाग उससे ढक रहा था। एंड और ही लुक्ड, वो दिखाई देते थे एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, कम से कम 100 साल के, यानी हमारे बाबा, राइटर कहता है कि जो तस्वीर थी उसमें हमारे बाबा जो है उनकी बड़ी बड़ी मूछें थीं और इतनी बड़ी मूछें थी कि उनकी जो है छाती का अधिकतर भाग जो है उन मूछों से, उनसे दाढ़ी और मूछों से, बियर्ड मीन्स दाढ़ी होता, दाढ़ी से जो है ढक जा रहा था और ऐसा लगता था कि वो कम से कम 100 साल के होंगे। राइटर का ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, कहता ही डिड नॉट लुक, वो नहीं दिखाई देते थे या नहीं प्रतीत होते थे, कहते हैं कैसे वो ऐसे नहीं लगते थे, लुक मीन्स लगना या प्रतीत होना, द सॉर्ट ऑफ पर्सन, ऐसे व्यक्ति हु जो कि वुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, जिनका जो है
कहता है वो जो है ऐसे व्यक्ति नहीं दिख रहे थे जो कि वुड हैव, जिनके पास हो आ वाइफ, एक पत्नी और चिल्ड्रन अथवा बच्चे। कहता वो ऐसे नहीं दिखाई दे रहे थे कि जैसे उनकी पत्नी और बच्चे हों। कहने का मतलब बहुत बुजुर्ग थे। अब जो है लेखक जो है वो अपने बचपन की जो है सोच बता रहा है। ही लुक्ड, वो दिखाई दे रहे थे, यानी जो बाबा थे वो दिखाई दे रहे थे या लग रहे थे। लुक्ड लगना, दिखाई देना, प्रतीत होना। एज इफ, जैसे कि, वो ऐसे लग रहे थे कि जैसे कि जो है ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि वो जो है ही कुड हैव ओनली, कि केवल उनके लॉट्स एंड लॉट्स, बहुत सारे ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन मीन्स पोता पोती हों। यानी वो बाबा जो थे ऐसे लग रहे थे जैसे उनके बहुत ज्यादा नाती पोते हों, इतनी उम्र के जो है लग रहे थे। एज फॉर माई ग्रांड मदर, जैसा कि माई ग्रांड मदर, मेरी दादी के बारे में, जैसा कि मेरी दादी जो थी वो बींग यंग एंड प्रटी, कहता है वो जो है बींग, कभी होंगी यंग एंड प्रटी, सुंदर और जो है जवान। कहता है मेरी जो दादी हैं, जैसा कि उनके बारे में बताया जा रहा था कि बहुत जो है युवती थी, यानी जवान थी, एंड प्रटी और सुंदर थी। दिस थाट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, कहता द थाट, ये विचार जो था वाज ऑलमोस्ट, लगभग रिवॉल्टिंग, घृणात्मक था। जो है रिवॉल्टिंग मीन्स घृणात्मक, यानी वो जो है बिल्कुल घृणात्मक विचारों वाली थी। कहता है सी, वो ऑफन प्रायः, इन दादी जो थी वो प्रायः जो है टोल्ड अस, हमें बताया करती थी, ऑफ द गेम्स, खेलों के बारे में। सी यूज टू प्ले, जिन्हें वो खेला करती थी एज अ चाइल्डहुड, बचपन में, यानी दादी जो है चाइल्ड मीन्स बचपन, यानी बचपन में जो दादी खेल खेलती थी उनके बारे में हमें बताया करती थी। दैट सीम्ड, जो कि प्रतीत होते थे क्वाइट, पूरी तरीके से अपसर्ड, अपसर्ड मीन्स होता है मूर्खता से भरे हुए, एंड अनडिग्निफाइड, यानी अनडिग्निफाइड मीन्स होता है अपमानजनक, जो कि पूरी तरीके से मूर्खता और अपमानजनक जो है प्रतीत होते थे। ऑन हर पार्ट, यानी उनके लिए, ऑन हर पार्ट उनके लिए, क्योंकि बहुत बुजुर्ग थी। वीट एंड और वी ट्रीटेड, हम मानते थे इट लाइक द फैबल, जैसे कि कहानियाँ हों, ऑफ द प्रॉफेट्स, प्रॉफेट्स मीन्स होता है धर्म गुरुओं की। सी यूज टू टेल अस, जो हमें वो सुनाया करती थी, ऐसा लगता था कि वो कोई धर्म गुरु की कहानी हमें सुना रहे हैं जब वो हमें अपने बचपन की बात बताती थी। अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होता है, तो दूसरा पैराग्राफ है, कहता है सी वो हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो जो है हमेशा जो है ऑलवेज, सदैव, बीन शॉर्ट, शॉर्ट में छोटे कद की थी, एंड फैट, और मोटी थी, एंड स्लाइटली बेंट, और स्लाइटली मीन्स थोड़ी सी, हल्की सी, वो जो है हल्की सी बेंट में झुकी हुई थी, यानी वो छोटे कद की, मोटी और हल्की सी झुकी हुई थी। हर फेस, उनका चेहरा जो था वो आज क्रिस क्रास, क्रिस क्रास मीन्स होता है एक दूसरे को काटना, उनके चेहरे पर एक दूसरे को काटती हुई रिंकल्स, रिंकल्स मीन्स होता है झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। रनिंग फ्रॉम एवरी वेयर टू एवरी वेयर, एवरी वेयर टू एवरी वेयर मीन्स इधर से उधर, यानी इधर से उधर जो है उनके चेहरे पर झुर्रियाँ जो थीं वो एक दूसरे को काटती हुई जो है पड़ी हुई थी। कहता नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन, कहता है ऐसा लगता है कि वी वर सर्टेन, हमें पूरा विश्वास था, हम जो है जानते थे, हमें पता था कि सी, हमें ऐसा लगता था या हमें ऐसा प्रतीत होता था या हम इस बात पर विश्वास करते थे, वी वर सर्टेन, हमें विश्वास था कि सी हैड ऑलवेज बीन, वो हमेशा वैसी ही रही हैं एज, जैसा कि वी हैड नोन हर, जैसा कि मैंने उन्हें देखा है। कहता है कि जैसा हमने उन्हें देखा है ऐसा लगता था वो हमेशा वैसी ही थी।
कहते ओल्ड बूढ़ी थी, सो ओल्ड बहुत बूढ़ी थी, सो ट्रेबली ओल्ड यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ी थी, इतनी बूढ़ी थी दैट कि सी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, यानी वो इतनी बूढ़ी थी कि इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी, एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स। और लेखक कहता है ऐसा लग रहा था कि स्टेड वो रुक गई हैं एट द सेम एज, उसी उम्र में फॉर 20 ईयर्स, 20 साल से। लेखक कहता है मुझे ऐसा लग रहा था कि 20 साल से उनकी उम्र उतने पर ही रुक गई हो। सी कुड नेवर, वो कभी नहीं बीन प्रेटी, सुंदर होंगी। लेखक कहता है ऐसा लगता था वो कभी सुंदर होंगी ही नहीं, बट लेकिन सी वाज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो हमें जो है कहता है कि ऐसा लगता है वो कभी प्रेटी यानी जो है सुंदर नहीं होंगी, लेकिन वो हमेशा जो है सुंदर प्रतीत होती थी। हाँ, कहता है कि सी वो हमेशा जो है कहता है सी वो हाबल्ड, हाबल्ड मीन्स होता है लंगड़ा कर चलती थी, अबाउट द हाउस, घर में, वो पूरे घर में जो है लंगड़ा कर चलती थी, कोई डिफेक्ट होगा पैर में तो लंगड़ा करके चलती थी, इन स्पॉटलेस वाइट, स्पॉटलेस मीन्स होता है बिना दाग का, स्पॉटलेस बिना दाग का, बेदाग जो है वाइट सफ़ेद कपड़ा पहने होती थी, विद वन हैंड, और एक हाथ अपना जो है रेस्टिंग रख लेती थी ऑन हर वेस्ट, वेस्ट मीन्स कमर, कमर पर अपनी, टू बैलेंस यानी बैलेंस मीन्स होता है जो है नियंत्रण के लिए, संतुलन के लिए, संतुलन बना रखने के लिए वो अपना एक हाथ जो है अपने कमर पर रख लेती थी, हर स्टूप अपने कूबड़ का, स्टूप मीन्स होता है कूबड़, अपने कूबड़ का संतुलन बनाए रखने के लिए वो अपना एक हाथ जो है वो अपनी कमर पर रख लेती थी, एंड और द अदर, दूसरे हाथ से टेलिंग, टेलिंग मीन्स होता है बताना, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फेरना, और फेरती रहती थी द बीट्स, बीट्स मीन्स होता है मूंगे ऑफ हर रोसरी, रोसरी मीन्स होता है माला, अपनी माला के जो है मोती जो है वो फेराया करती थी, हर सिल्वर लॉक, उनके सिल्वर मीन्स होता है चांदी जैसे मतलब सफ़ेद, उनके सफ़ेद जो है लॉक्स मीन्स होता है चोटी या बाल, उनके सफ़ेद बाल जो थे वर स्कैटर्ड, फैले हुए थे, स्कैटर्ड फैले हुए थे, अनटाइडली, अनटाइडली मीन्स बेढंगे तरीके से, ओवर हर पेल, उनके पीले पकर्ड फेस, पकर्ड मीन्स होता है झुर्रीदार जो है फेस, चेहरे पर उनके जो है झुर्रीदार चेहरे पर जो है उनके बाल जो थे वो फैले हुए थे, एंड हर लिप्स, और उनके होंठ जो थे कॉन्स्टेंटली लगातार मूव्ड, हिलते रहते थे, इन इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मीन्स होता है चुपचाप, या ऑडिबल मीन्स होता है सुनने योग्य, इनऑडिबल मीन्स होता है न सुनने योग्य, यानी वो जो है धीरे धीरे जो है बुदबुदाया करती थी, यानी कहने का मतलब है वो ऐसी आवाज़ में गुनगुनाया करती थी जो कोई जो है सुन नहीं पाता था, यानी बहुत धीरे धीरे जो है गुनगुनाया करती थी। कहता यस, हाँ, सी वाज ब्यूटीफुल, वे बहुत सुंदर थी, यानी कहता है राइटर कि दादी मेरी जो थी वो वास्तव में बहुत सुंदर थी, सी वो वास थी लाइक द विंटर लैंडस्केप, विंटर मीन्स जाड़ों का या शीतकालीन जो है लैंडस्केप मीन्स होता है भूदृश्य, इन द माउंटेन्स, पर्वतों पर, इन पर्वतों पर जो शीतकालीन भूदृश्य था उसके समान जो है वो दिखती थी। और कहते हैं इन एक्सपांस, एक्सपांस मीन्स होता है क्षेत्र, जैसे कि एक क्षेत्र हो आप प्योर, स्वच्छ, प्योर मीन स्वच्छ, शांत, व्हाइट, स्वच्छ और व्हाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी मीन्स वातावरण, यानी सफ़ेद वातावरण, ब्रीथिंग पीस एंड कॉन्टेंटमेंट, कॉन्टेंटमेंट होता है संतोषजनक, यानी ऐसा लग रहा था कि वह जो है बिल्कुल पूरी तरीके से शीतकालीन पर्वत का भूदृश्य, बिल्कुल शांत स्वभाव था उनका, और ऐसा लगता था वो बिल्कुल शांत और संतोषजनक वातावरण की एक जो है स्वच्छ और सफ़ेद जो है मूर्ति हों, ऐसा जो है इतनी जो है हमारी दादी जो है इस प्रकार की थी, यानी बिल्कुल शांत स्वभाव वाली, लेखक कह रहा है उनके अंदर कोई भी जो है किसी प्रकार की
कोई कमी नहीं थी, यानी पूरी तरीके से वो शांत स्वभाव वाली थी। तो इस प्रकार से ये आपका सेकंड पैराग्राफ जो है बताया गया है। सेकंड पैराग्राफ में जो है दादी की जो है जो शरीर है उसके बारे में बताया गया है, किस तरीके से वो चलती थीं और किस तरीके से उनका जो है शरीर था। तो अब जो है आपका अगला थर्ड पैराग्राफ स्टार्ट होता है, देखते हैं थर्ड पैराग्राफ में क्या है। तो करें माय ग्रैंड मदर मेरी दादी एंड आई और मैं वर गुड फ्रेंड्स, वो बहुत जो है अच्छे मित्र थे। कहता है राइटर कि मेरी दादी और मैं दोनों लोग बहुत अच्छे मित्र थे। कहता है माय पेरेंट्स, मेरे माता पिता जो थे, राइटर कहता है मेरे माता पिता जो थे लेफ्ट मी, वो मुझे छोड़ गए थे विद हर, उनके पास यानी दादी के पास जो है मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे। व्हेन जब दे वेंट, वो गए टू लिव इन द सिटी, शहर में रहने के लिए, यानी खुशवंत सिंह के माता पिता कहीं शहर में रहने गए होंगे, तो वो जो है खुशवंत सिंह को उनकी दादी के पास छोड़ गए। एंड और वी, हम यानी दादी और मैं जो है वर कांस्टेंटली में सदैव टुगेदर, साथ साथ रहने, दादी और मैं दोनों लोग सदैव जो है साथ साथ रहे। कहते हैं सी यूज टू वेक अप, वेक मीन्स होता है जगाना, वेक मी अप। सी यूज टू मीन्स हमेशा जो है, वेक मी अप जगाया करती थी मुझे इन द मॉर्निंग, सुबह, वो सुबह सुबह मुझे जो है प्रतिदिन जगाया करती थी। एंड गेट मी रेडी मीन्स तैयार करती थी फॉर स्कूल के लिए, मुझे जो है उठा करके जगा करके वो स्कूल के लिए तैयार करती थी। सी वो सेड हर मॉर्निंग प्रेयर, सी वो सेड गाती रहती थी हर मॉर्निंग प्रेयर, अपनी प्रातःकाल की प्रार्थना, वो सवेरे सवेरे अपनी प्रातःकालीन प्रार्थना गाया करती थी। इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, मोनोटोनस मीन्स होता है नीरस आवाज में जो है सिंग सॉन्ग यानी गाना गाया करती थी, वो अपनी प्रार्थना को बिल्कुल नीरस जो है स्वर में गाया करती थी। व्हाइल जब सी बाथर्ड, वो नहलाती थी एंड ड्रेस्ड और कपड़े पहनाती थी मी, मुझे, जब वो मुझे जो है नहलाती थी और कपड़े पहनाती थी, तो बहुत नीरस धुनी में अपना जो है प्रातःकालीन प्रार्थना गाया करती थी। इन होप, इस उम्मीद से, उनको ये उम्मीद थी दैट कि आई वुड लिसन, मैं सुनूंगा, एंड और गेट टू नो इट बाय हार्ट, और बाय हार्ट मीन्स होता है याद करना, यानी उसको मुँह जवानी में याद कर लूँगा, ऐसा उनका जो है विश्वास था। लेकिन कहता आई लिसेंड, मैं सुनता था बिकॉज, क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस, मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, मैं गाने को इसलिए, उनके भजन को इसलिए सुनता था कि मुझे जो है उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोथर्ड टू लर्न इट, बोथर्ड में चिंता करना, टू लर्न इट इसे याद करने की, लेकिन इसे याद करने की, उस गाने को याद करने की मैंने कभी चिंता नहीं की। देन तब सी वुड फेच मीन्स लाना, यानी मुझे तैयार करने के बाद वह लाती थी माई वुडन स्लेट, वुडन मीन्स लकड़ी की, स्लेट मीन्स पार्टी या स्लेट कर सकते, तब वो मेरी जो है लकड़ी की पार्टी ढूंढ करके लाती थी। विच जिसे सी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, उन्होंने पहले से ही वॉश्ड में धो दिया होता था, यानी साफ कर दिया होता था जो लिखा था। एंड प्लास्टर्ड, और प्लास्टर मीन्स होता है पुताई करना, उसको पोत देती थी विद येलो चाक, पीली चाक से, यानी पीली चाक से जो है उसको साफ कर देती थी। अ टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक छोटा सा जो है अर्थन मीन्स होता है मिट्टी की इंक पॉट, यानी दवात लाती थी। एंड अ रेड पेन, यहाँ पर रीड है, REED, ये स्पेलिंग कंप्यूटर की इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर रीड कर लीजिए, यानी रीड मीन्स होता है सरकंडा, सरकंडे की पेंसिल देती थी। और क्या करती थी, टाई देम ऑल इन अ बंडल, उन सब को जो है एक बंडल का मतलब यहाँ पर बस्ता हो जाएगा, बस्ते में रख देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और मुझे दे देती थी, यानी इतनी सब चीज़ें उठाकर रख देती थी बस्ते में, मुझे दे देती थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट, कहता है नाश्ता करने के बाद, मैं नाश्ता करता था, काहे का, आ थिक, एक मोटी
स्टाइल चपाती, स्टाइल मीन्स होता है बासी, एक मोटी बासी जो है चपाती मीन्स रोटी खाता था, विद अ लिटिल बटर, थोड़ा सा बटर मीन्स मक्खन लगाकर, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस पर जो है शुगर मीन्स चीनी, यानी मक्खन और चीनी लगाकर उस पर जो है एक मोटी सी रोटी खाता था। उसके बाद वी वेंट टू स्कूल, हम स्कूल को चले जाते थे। सी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज, वो सेवरल में बहुत सी स्टेल चपाती, स्टेल मीन्स बासी जो है चपातीज रोटियां ले जाती थी, विद हर अपने साथ, फॉर द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्तों के लिए, गांव के कुत्तों के लिए जो है कुत्तों को खिलाने के लिए वो बहुत सी जो है बासी रोटियां अपने साथ ले जाती थी। आगे बढ़ते हैं, अगला पैराग्राफ नंबर 4 स्टार्ट हो रहा है। कहते हैं माई ग्रांड मदर, मेरी दादी जो थी, माई ग्रांड मदर मेरी दादी जो थी, ऑलवेज हमेशा वेंट टू स्कूल, स्कूल को जाती थी, विद मी मेरे साथ ही, यानी दादी जो है सवेरे हमें तैयार करने के बाद जो है बासी रोटी जो है मक्खन लगा करके और चीनी लगा कर खिला देती थी, उसके बाद जो है वो भी मेरे साथ स्कूल जाती थी। क्यों जाती थी? बिकॉज, क्योंकि द स्कूल, जो स्कूल जो था वाज अटैच टू द टेम्पल, वो मंदिर के साथ ही था, मंदिर में जुड़ा था, या कह सकते हैं मंदिर में ही स्कूल था या स्कूल में ही मंदिर था, यानी मंदिर जो था वो स्कूल के, वो स्कूल जो था मंदिर के पास ही था, इसलिए दादी मंदिर को जाती थी और हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। आगे कह रहा है कि द प्रीस्ट, जो पुजारी था, मंदिर का जो पुजारी था वो टाट अस, हमें सिखाता था, टाट में सिखाता था या पढ़ाता था, अस हमें द अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट मीन्स होता है वर्णमाला, यानी मंदिर का जो पुजारी था हमें वर्णमाला सिखाता था, एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और प्रातःकाल की प्रार्थना, यानी हम लोग जो है वर्णमाला सीखते थे और प्रातःकाल की जो है प्रार्थना सीखते थे। व्हाइल, जबकि द चिल्ड्रन, बच्चे जो थे, यानी बच्चे जो थे वो सेट बैठ जाते थे, यानी जब बच्चे जो है बैठ जाते थे इन रोज, रोज मीन्स होता है कतार में, ऑन आइदर साइड, आइदर साइड मीन्स होता है दोनों तरफ, बच्चे जो थे वो कतार में दोनों तरफ बैठ जाते थे, ऑफ द बरामदा, यानी बरामदा की, बरामदे की जो है दोनों तरफ कतार में बच्चे बैठ जाते थे, और सिंगिंग, गाते थे, द अल्फ़ाबेट वर्णमाला, वर्णमाला को पढ़ते हुए जो है गाते थे, आर अथवा द प्रेयर, प्रार्थना जो है गाते थे, इन अ कोरस, कोरस मीन्स होता है एक साथ सभी बच्चे जो है या तो अल्फ़ाबेट गाते हुए पढ़ते थे या जो है प्रेयर्स, जो प्रार्थना होती थी उसको एक साथ गाते थे। कहते हैं माई ग्रांड मदर, जबकि जब जो है हम लोग जो है गाते थे या तो प्रार्थना गाते थे या जो है अल्फ़ाबेट पढ़ते थे, वर्णमाला पढ़ते थे, तो उस दौरान दादी क्या किया करती थी? कहते हैं माई ग्रांड मदर, मेरी दादी जो थी उस दौरान सेट बैठती थी इनसाइड, मंदिर के अंदर, इन मंदिर के अंदर दादी जो थी वो बैठी रहती थी और रीडिंग पढ़ती रहती थी द स्क्रिप्चर्स, स्क्रिप्चर्स मीन्स होता है धार्मिक पुस्तकें, दादी जो थी वो मंदिर के अंदर बैठी धार्मिक पुस्तकें पढ़ा करती थी जितनी देर हम लोग पढ़ते थे। कहते वन, जब वी हैड बोथ फिनिश्ड, वी हैड बोथ, बोथ मीन्स दोनों, फिनिश मीन्स ख़त्म करते थे, जब दोनों हम लोग अपना अपना काम ख़त्म करते हैं, दादी पढ़ाई अपनी जो है किताबों की ख़त्म करती थी, हम अपनी पढ़ाई ख़त्म करते थे, तो वी वुड टॉक बैक टुगेदर, हम जो है वी वुड वॉक, वॉक मीन्स चले आते थे बैक वापस, टुगेदर साथ साथ, हम दोनों साथ साथ वापस लौट पड़ते थे। दिस टाइम यानी तब तक, दिस टाइम तब तक जो है जब हम वापस लौटते थे तब द विलेज डॉग्स, गांव के कुत्ते जो थे वुड मीट, मिलते थे अस हमें एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे पर, यानी गांव के कुत्ते जब हम वापस आते थे तो गांव के जो कुत्ते थे वो हमें मंदिर के दरवाजे पर मिल जाया करते थे, जो गांव के कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पर हमें मिल जाया करते थे। दे वे फॉलोड अस, फॉलोड मीन्स पीछे पीछे आते थे अस हमारे, यानी हम और दादी दोनों थे तो हमारे पीछे पीछे कुत्ते चले आते थे, टू आवर होम हमारे घर तक, टू आवर होम हमारे घर तक, ग्रॉलिंग, ग्रॉलिंग में होता है गुर्राना, गुर्राते हुए, एंड और फाइटिंग लड़ते हुए, विद ईच अदर एक दूसरे से, एक दूसरे से लड़ते और गुर्राते हुए हमारे घर की तरफ चले आते थे, फॉर द चपातीज
चीज़ उन चपाती में रोटियों के लिए, उन रोटियों के लिए लड़ते और गुर्राते थे जिन्हें वी हम थ्रू फेंकते थे टू देम, उनके सामने यानी उनके सामने जो रोटियां जो है हम उनको खाने के लिए डालते थे, उन रोटियों को जो है पाने के लिए गुर्राते हुए और लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे रोटियां पाने के लिए जो है वो चले आया करते थे। तो बचपन में किस प्रकार से जो है राइटर स्कूल जाता है तो उसके बारे में जो है यह पैराग्राफ बताया गया है कि किस प्रकार से जो है वो जाते थे। मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छा ये वीडियो लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो भाई जो है लाइक आइक कर दें और कमेंट कर दें यदि आपको अच्छा लग रहा है, कोई अच्छा सा कमेंट करें। यदि अच्छा नहीं लग रहा है तब भी जो है आप कमेंट करके बताएं कि क्या कमी है। चलिए अगला पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 है, कहता है व्हेन जब आवर पेरेंट्स, हमारे माता पिता वर कंफर्टेबली मीन्स आराम से सेटल्ड बस गए इन द सिटी, शहर में। यानी पहले हमारे माता पिता जो है गए थे, जो दोनों लोग खुद और हमें दादी के पास छोड़ गए थे, लेकिन जब जो है वो आराम से शहर में जो है बस गए तो दे सेंट फॉर अस, तो दे उन्होंने सेंट फॉर मीन्स होता है बुलाना, अस हमें यानी हम दोनों को भी उन्होंने बुला लिया, यानी दादी और मुझे भी उन्होंने वहीं अपने पास बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट मीन्स मोड़ आया, यहीं पर एक मोड़ आया, टर्निंग पॉइंट मीन्स होता है मोड़ आया इन आवर फ्रेंडशिप, हमारी मित्रता में, यहीं पर हमारी मित्रता पे एक मोड़ आया। आल दो कहता है यद्यपि वी हम यानी दादी और मैं जो है शेयर्ड रहते थे द सेम रूम, एक ही रूम में, यानी यद्यपि मैं और दादी एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन फिर भी माई ग्रांड मदर, मेरी दादी जो थी वो नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, वो अब मेरे साथ स्कूल में नहीं आती थी। यानी पहले जो है गांव में दादी स्कूल में आया करती थी पूजा करने के लिए, लेकिन अब मेरे स्कूल में दादी जो है साथ में नहीं जाती थी। कहता है मैं जाया करता था टू एन इंग्लिश स्कूल, एक अंग्रेजी स्कूल को, इन अ मोटर बस, एक बस में बैठ करके, जो है बस द्वारा एक अंग्रेजी स्कूल को जाया करता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट, वहाँ पर गली में कुत्ते नहीं थे, देयर वर नो डॉग्स कुत्ते नहीं थे इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, वहाँ पर गलियों में कुत्ते नहीं थे। एंड और सीट टूक टू मीन्स होता है शुरू करना, उन्होंने शुरू कर दिया, दादी ने शुरू कर दिया फीडिंग मीन्स खिलाना स्पैरोज, गौरैयों को यानी चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, ऑफ आवर सिटी हाउस, हमारे शहर के घर में, हमारे शहर के घर में जो आंगन था उस आंगन में दादी ने चिड़ियों को चुंगाना शुरू कर दिया, जिसे आप लोग कहते हैं स्थानीय भाषा में चुंगाना। तो दादी ने जो है उन चिड़ियों को जो है आंगन में जो आ जाती थी उनको चुंगाना शुरू कर दिया, और जबकि मैं जो है एक अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा पढ़ने जाने लगा। जैसे गांव में था राइटर, तब जो है वो दादी साथ में जाती थी क्योंकि मंदिर भी वहीं था, दादी अपना प्रेयर कर लेती थी, पूजा कर लेती थी, और जो है राइटर पढ़ लेता था, खुशवंत सिंह जी पढ़ लेते थे, लेकिन अब वो ऐसा नहीं था शहर में। तो फ्रेंड्स ये जो है आपके 5 पैराग्राफ्स तक यहीं आज रखेंगे, तो यह पार्ट आपका जो है कंप्लीट होता है। इसके आगे जो है हम सेकेंड पार्ट में आपका जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। इसमें जो है इस चैप्टर में लगभग 13 पैराग्राफ्स हैं, तो इनको जो है हम जल्दी ही जो है पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, क्योंकि नए पैटर्न का ये चैप्टर है तो बहुत कम ही जगह आपको वीडियोज मिलेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी सभी वीडियो प्रोवाइड करें, तो मित्रों तक भी अपने शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको जैसे ही हम अगला पार्ट या जो है इस बुक के और जो है पार्ट्स चैप्टर्स जो है अपलोड करते हैं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका जो है बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, जय हिंद।